Audio Jungle. नमस्कार जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। मैं गजानंद शर्मा, आज इस्कॉन टेंपल के ऊपर अखिल भारतीय जाट समाज का महाराज सूरजमल जी के सानिध्य में पूरे जाट समाज, अखिल भारतीय जाट समाज की तरफ से भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न शहरों से इकट्ठे हुए इस सानिध्य में, तो मैं यहाँ के जाट नेताओं से जानना चाहूँगा कि इस जो ये आज भव समारोह और इस मीटिंग का क्या कारण था, क्या एजेंडा था, इसके बारे में आदरणीय योगानंद शास्त्री साहब दिल्ली बेल्ट के जाट समाज के वरिष्ठ नेताओं में। सर, ये जो कार्यक्रम है आज जाट समाज का, ये यहाँ रखने का आपका क्या मेन उद्देश्य था और इसका क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, यहाँ इसलिए रखा गया है, हमारे साथी हरपाल राणा जी वगैरह ने मिलके, वैसे तो प्रतिवर्ष करते हैं, इस बार थोड़ा सा और अच्छे से किया गया है। ये जो मंदिर है टेकड़ी के ऊपर, इसको दो तरह से याद किया जाता था, सूरजमल टेकड़ी या सूरजमल पर्वत। तो यहाँ उन्होंने तोप लगा करके और लाल किले पर गोलाबारी की थी अपने आप उसको लेने के लिए, और वो कई बार आकर रहे भी थे। तो इस स्थान को हमारे समाज को सौंपा जाए और एक भव्य स्मारक महाराजा सूरजमल का बनाया जाए, इस दृष्टि से सब इकट्ठा हुए हैं और भगवान करे ये जल्दी फलीभूत हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। हरपाल साहब, आप ये जो कार्यक्रम हमारे जाट समाज का है, आप क्या संदेश देंगे पूरे समाज को? देखिए, आज यहाँ पर योगानंद शास्त्री जी और दूसरे जो केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ आए और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये सब साथियों के सहयोग से हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ पे जो व्यक्ति आए हैं, ये पिछले कई वर्षों से हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी का कोई संस्थान बने, जैसे योगानंद शास्त्री जी ने किया कहा, कोई संस्थान बने, कोई स्मारक बने, उनकी प्रतिमा यहाँ लगे, ये उनका कर्म भूमि रही है, इसके यहाँ पे कोई ना कोई चिन्ह जरूर होना चाहिए। सर जेपी जी, आप पूरे जाट समाज को आप किस प्रकार से देखते हैं, युवाओं को किस प्रकार का संदेश देंगे? आज विशेष रूप से दो त्योहार समझे जाएं। सर, छोटू राम जी की आज जयंती है, वो सच में किसानों के मसीहा रहे। हमारे योगानंद शास्त्री जी हैं, मैंने कई बार सुना है, इतना सरल और सहज स्वभाव रखते हुए जो स्पीच होता है, जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है। और जितने इतिहास की जानकारी हमारे योगानंद जी को है, उसके मुकाबले शायद किसी को नहीं है। महाराजा सूरजमल जिन्होंने 90 युद्ध लड़े और देश से तो धर्म में अपने प्राणों की आहुति शहादत राम हिंड नदी पर दी, उनके नाम को आज हमें पढ़ने को नहीं मिलता। आज जहाँ है महाराजा सूरजमल पर्वत, यहाँ सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, यहाँ महाराजा सूरजमल की सेनाएं रुका करती थी, यहाँ उनका तोपखाना लगा करता था। ये सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 300 एकड़ में फैला हुआ पहाड़ था जी। आज अतिक्रमण होते होते पिछले 200 साल से, चलो ये सौभाग्य की अच्छी बात है कि हम सब यहाँ जागृत हुए हैं, आज इकट्ठा हुए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आज जो थोड़ी सी जगह गुरु जी बची हुई है और आपके नेतृत्व में अगर ये चीज और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम इसे सफल होंगे। यहाँ एक शिक्षण संस्थान बने, महाराजा सूरजमल के नाम से कोई ऐसा म्यूजियम बने ताकि लोग आए और ये यहाँ पर गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर सकें। यहाँ यूथ ब्रिगेड के बहुत सारे युवा आए हुए हैं, यहाँ चिराग दिल्ली से बहुत अच्छे बच्चे आए हुए हैं, सभी जो है इकट्ठा हुए हैं। आज सच में ये संख्या बहुत ज़्यादा है, सराहनीय कदम है, और मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ हमारे हरपाल मास्टर जी, हमारे श्यामवीर प्रधान जी आए हुए हैं, लाकड़ा जी हैं, शास्त्री जी हैं। और अब मैं श्यामवीर प्रधान जी, आप जी
मैं एक विशेष बात आपको बतलाऊं जिसका किसी को पता नहीं है। इस समाज की वजह से ही दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। आपने देखा होगा कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, उस पर ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में 3 श्लोक हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब यहाँ से जीतता हुआ कांगड़ा गया, कांगड़ा तक, तो विष्णु पर्वत पर ये लोहे की लाठ गाड़ी गई थी। उसके बाद अनंगपाल तोमर जो इस समाज का था वो उसी रास्ते से विजय करता हुआ गया। उसने देखा बड़ी अजीब बात है, इस पर न जंग लगा है न कुछ और है, तो उसने पढ़ नहीं सकते थे वो ब्राह्मी, संस्कृत भी नहीं जानते थे, तो अपने सैनिकों को कहा कि इसको उखाड़ करके ले चलो। 6 बैलों का रेड़ा बनाया, उस पर रखकर यहाँ ले आए। जिस जगह आज गड़ा हुआ है उससे कुछ दूर पर था, ये गाड़ा गया था तो ठीक से नहीं गड़ा, तो एक किंवदंती प्रचलित हुई, खीली तो ढीली भाई तोमर भाई मतिहीन। तो इसका नाम पड़ा ढिल्ली का। और प्रमाण यह है कि इस समय लाल किला के म्यूजियम में एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, वो मिला था रोहतक से, उस पर लिखा है देशो अस्ति हरियाणा ख्य है, पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभ है, दिल्ली का ख्या नगरी स्तत्र तोमर आई रस्सी निर्मिता। तो अनंगपाल तोमर की बसाई हुई है और दिल्ली का इसका नाम था, उससे बिगड़ करके दिल्ली हो। जी जी, बहुत खूब। ये बताया कि तोमर साहब ने कि जब तक दिल्ली तोमरों की और तौर घटे बाद औरों की, ऐसा कुछ भी हमने राजस्थानी भाषा में देखा था। चौधरी वीरपाल जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाट समाज के, वीरपाल साहब, तो आप इन पूरे समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले एक साल से जो है लगातार यहाँ पर सभाएं रख रहे हैं और ये हमारी जो है ना, ये सभाएं रखते रखते ये सफलता है कि इस बार काफ़ी संख्या में यहाँ हमारे समाज के लोग पहुँचे हैं। उनको जानकारी हुई है कि सूरज पर्वत वही जगह है जहाँ बाहरी आक्रांताओं को आँख दिखाने के लिए महाराजा सूरजमल जो है यहाँ पर पहुँचते थे और अपनी सेना को यहाँ पर जो है वो इकट्ठी करके दिल्ली पर जो है चढ़ाई की तैयारी करते थे। ये वही जगह है, यहाँ पर उस सबूत के रूप में महाराजा सूरजमल जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी, वो मंदिर यहाँ पर विराजमान है, मंदिर चल रहा है। हम युवाओं को यही आह्वान करते हैं कि अपनी जो विरासत है, अपने जो लीजेंड, हमारे समाज के जो लीजेंड है जिन्होंने हमें दिया है, जिन्होंने हमें समाज का एक जो है आदर्श इतिहास दिया है, उनके लिए हम इकट्ठे होकर के अपनी जो जेन्युइन मांग है, जो हमारी जो है सच्ची लड़ाई है कि ये महाराजा सूरजमल की सेना का स्थान था, यहाँ पर उनके नाम पर जो है यूनिवर्सिटी बने। हम कोई अपने लिए ये जगह नहीं मांग रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में सब तमाम जातियों तमाम धर्मों के लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हमारा आह्वान है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए महाराजा सूरजमल के नाम पर सूरज पर्वत पर महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना करें। यही मेरी युवाओं से आह्वान है कि इसके लिए जो है वो योगदान दें और अधिक से अधिक संख्या में हर बार जब भी यहाँ कोई हम इस प्रकार की मीटिंग रखें वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय जाट। वीरपाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने बताया कि हमें एक जाति विशेष के नहीं, ये तो पूरे सब समाज के लिए काम करेगा, तो ऐसा कोई शिक्षण संस्थान हो, ऐसे व्यवस्था भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों करें, ये हमारी सबकी मांग है, पूरे समाज की मांग है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह साहब के वंशज हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवर नरवीर सिंह तेवतिया है। सर, आप ये समाज का जो ये पूरा आज जो मीटिंग हुई है, इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इन पूरे समाज को, और ये इकट्ठा जो हुए हैं किस लिए हुए हैं? हम यहाँ पर महाराजा सूरजमल जी की जो कार्य क्षेत्र था, जहाँ पर उनकी सेनाएं रुकती थी, सूरज पर्वत के नाम से जिसको जाना जाता था, वो आज के दिन वो बिल्कुल विलुप्त कर दिया है। अब जितने भी जो सरकारें आई हैं उनके बलिदान को नकार देना, ये कोई अच्छी और शोभनीय बात नहीं है। हमारी जो बिरादरी है वो उन्हीं से शुरू होती है। आज तक अगर कोई अभय राजा रहा है तो महाराजा सूरजमल ही रहे हैं। हमारा ये है कि जो इतिहास में हमको एक तरफ कर दिया गया है,
हम चाहते हैं कि हमें उसमें अग्रणी स्थान मिले, हमारे पाठ्यक्रम में हमारे बच्चों को बताया जाए कि हमारा इतिहास क्या है। और हमारा इतना गौरवनीय इतिहास है कि अगर हम उसको सही तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए तो हमें एक अच्छी नई दिशा जरूर मिलेगी, बच्चों का भविष्य आगे अच्छा निकलेगा। सर ऐसा तो नहीं है आपके इतिहास से भी कहीं छेड़छाड़ हुई हो? हर तरीके से हुई है। ये तो जो पुरानी सरकारें रही हैं वो तो उनके मन की बात थी कि वो जिसको चाहें उनको हीरो बना दें और जो असल लोग थे उनको विलुप्त कर दिया, इतिहास में उनको कोई जगह ही नहीं दी गई है। अपने महापुरुषों के जिस इतिहास को, धूमिल इतिहास को दोबारा युवाओं ने एक नई क्रांति दी है। आप अभी देख रहे होंगे जिस देश में युवाओं की उपस्थिति 60% है वहाँ इस मंच से भी आप देख सकते हो युवाओं की उपस्थिति यहाँ भी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज देने के लिए हमारी युवा क्रांति ने जो एक नया रूप बदला है और सोशल मीडिया पे जो नए रूप से प्रचार प्रसारित करने में जो बड़े स्तर पे सहयोग किया जा रहा है, मैं उसके लिए पहले से भी अपने युवा भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और इनके मान मनोबल के लिए आगे एक उपेक्षा रखता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से, जैसे ये सम्मान मुझे यहाँ मेरे बड़े आदर चाचा जेबी साहब ने दिया है, ऐसा ही बड़े बुजुर्ग अगर युवा को देंगे तो हौसला कई गुना बढ़ता चले जाएगा और हौसले से ही उड़ान बढ़ेगी। मेरा अपने युवा भाइयों से यही एक संदेश है कि इस उड़ान को लगातार जारी रखे और हौसले को बड़ा करके लगातार अपना समाज के प्रति सहयोग दे। मेरा सभी भाइयों से, युवा भाइयों से यही निवेदन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अब मैं, हाँ श्यामवीर जी, आपका काफी अच्छा अनुभव रहा है समाज में, आप राजनीति पार्टियों में भी काफी अच्छा आपका दबदबा था, क्या ये जो आप आज मांग कर रहे हैं बहुत पहले से नहीं हो जाना चाहिए था, इसके लिए आपको तैयार? हाँ ये बिल्कुल आपने जो बात कही है ये बहुत ही बढ़िया बात है और हमें बहुत पहले जागरूक हो जाना चाहिए था, हम काफी लेट हो गए, लेकिन आज हम जो मांग कर रहे हैं ये महाराज सूरज पर्वत के नाम से जो जगह जानी जाती है ये इतिहास में भी है, इसका जिक्र इतिहास में भी है, लेकिन जाटों के इतिहास को, जैसे अभी आपने कहा था कि जाटों के इतिहास को हमेशा से ही छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि हमारे जो लेखक थे वो नहीं थे, दूसरों के लेखनी से हमारा इतिहास लिखा गया, इसीलिए हमारे इतिहास को तोड़ मड़ो के लिखा गया। महाराज सूरजमल जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, महाराज सूरजमल एक अजय राजा थे, उन्होंने कभी अपने जीवन की लड़ाई नहीं हारी और हमेशा विजयी रहे, और यहाँ पर आकर भी उन्होंने जब जब भी आए हैं, जब दिल्ली पर भी आक्रमण किया है उन्होंने, जो बाहरी आक्रमाओं को यहाँ से उन्होंने पीछे खदेड़ा है, उसके लिए जब भी वो यहाँ आते थे तो यहाँ पड़ाव डालते थे, यहाँ उनकी सेना होती थी, ये जगह महाराज सूरजमल पर्वत के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर हमारी निशानी यहाँ मिटाई गई है, उसकी हमारी मांग है, यहाँ पर हमें वो जगह वापस दी जाए, यहाँ पर हम जो महाराज सूरजमल के नाम से एक संस्थान बनाए, शिक्षण संस्थान बनाए, यहाँ पर उनका स्मारक। सर चौधरी साहब इसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं ये बताएं कि प्रयास, जैसे मान लो अभी तो आपने ये सभी कह रहे हैं भाई लेटर भी दिया ये दिया, लेकिन क्या प्रयास किया जाए, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हमारे जो साथी हैं, हरपाल राणा जी हैं, राम कुमार टोगल जी हैं और हमारा सारा ग्रुप यहाँ पर जो काम कर रहा है, उन्होंने इस संस्थान का पिछले जो रिकॉर्ड निकाले हैं, पिछले रिकॉर्ड यहाँ पर पेश किए हैं, इन भारत सरकार को बताया गया है कि ये जगह हमारी है, महाराज सूरजमल की है, जाट समाज की है, इस जगह को हमें वापस दिया जाए, यहाँ पर हमारा एक संस्थान बने, हमारी एक पहचान हो, हमारी पहचान को मिटाया ना जाए। तो हमारा पूरा युवा ग्रुप, बुजुर्ग हमारे जितने भी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सब इसके लिए लगे हुए हैं और पूरा उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर पेश किया गया है, उसके आधार पर ये जगह हमारी बनती है, इसे जगह हमें दी जाए, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देवली, राम कुमार जी देवली से हैं और क्या पूरे समाज को क्या संदेश देंगे, ये युवा कैसे आपके साथ लगे, इनको कैसे जागरूक करोगे, जबकि जाट समाज तो पहले से यहाँ जागरूक होना चाहिए, बहुत पुराना जाट समाज है दिल्ली का, आप क्या जागरूकता का इनको संदेश देंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे, एक तो कमी हम लोगों की खुद रही है, जो हमारे युवा हैं, हम युवा को बता नहीं पा रहे हैं अपने जाटों के बारे में, हमारा इतिहास क्या है, आज जेपी सिंह हुए हमारे उनके साथ लग के आज इस मुहिम को हम चला रहे हैं, हाँ उन सबको हम साथ लेके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा ये सूरजमल ये अपना पहाड़ी है, इस पहाड़ी के लिए हम लड़ेंगे और दिन रात एक कर देंगे और सारे युवा को साथ हम जोड़ेंगे।
वेरी गुड। कुलदीप जी, आप कहाँ से? कुलदीप जी, मैं संगम बिहार से, यहीं पास से। संगम बिहार से क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये जाटों की जगह या हमारी जगह। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो की महाराजा सूरजमल छत्तीस बिरादरी के राजा थे, तो ना ये जाटों की जगह है ना हमारी जगह, ये छत्तीस बिरादरी की जगह। और आने वाले टाइम पे जाट ही नहीं, जाटों के साथ नॉन जाट भी होंगे जो महाराजा सूरजमल जी के लिए लड़ेंगे। मेरा नाम एडवोकेट सुमन सरावत, मैं सुखराली गांव से आई हूँ, जिसमें कि वो जाट बहुल्य गांव है। और देखिए, जो ये सूरज पर्वत है, ये महाराजा सूरजमल अपनी सेना का यहाँ पड़ाव डालते थे। महाराजा सूरजमल भरतपुर के रहने वाले थे, उनके पिता का नाम बदन सिंह था और उनके पांच पुत्र थे, जवाहर, रणजीत और नहार सिंह करके दो और थे। ताकि उन्होंने पूरा समय अपना जाट जाति के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा समय, अपना कीमती समय लगाया। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो सूरज पर्वत है, जिस पर आज हमने ये जाट रेजिमेंट का झंडा दिवस भी मनाया है, और सर छोटू राम, जिनका जन्म रोहतक में गढ़ी सांपला में हुआ था, सर छोटू राम भी किसानों के मसीहा, जाटों के मसीहा कहे जाने वाले, उनके लिए, जाटों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जाट समाज है उसको आगे लाया जाए और उस महाराजा सूरजमल के नाम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ शिक्षण महाविद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्था खोली जाए। निश्चित है कि जैसे हमारी जाति सीधी सीधी रही, सीधी का नाजायज फायदा उठाते रहे, आज जब ये सूरज पर्वत सारे का सारा एरिया उसका है, तो कम से कम उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो बना। सर, क्या क्या प्रयास करने से हम ये चाहते हैं जी, जैसे हम DDA में भी ऊपर भी कह रहे हैं कि DDA से हमें ज़मीन उनके नाम से अलाट हो जाए। उन्होंने, मैंने सुना है कि थोड़ा सा इतना तो उन्होंने मान लिया है, एक बार स्मारक के तो लिए नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अगर मान लो इन्होंने कह दिया तो एक अच्छा कॉलेज बनेगा, उनकी याद रहे जा करके, जैसे होटल के अंदर जहाँ की थी किशोरी रानी, किशोरी कॉलेज के नाम से बना दिया है, जाट समाज ने वहाँ पर बना रखा है उसमें। तो आप प्रयासरत हैं सबके सब इसके लिए? हाँ, सब प्रयास, हाँ बिल्कुल। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, यहीं से कालकाजी से हुआ हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ भी हम प्रचार किया करते थे। अरे, जायज़ चीज़ें हैं जो हर आदमी ये चाहता है कि अपने कम से कम जिस खानदान में आपने जन्म लिया है उनको, ये नहीं है कि जाति कट्टरता दिखा करके दूसरों को दबाओ, लेकिन दबे हुए की मदद जरूर करो, यही जाट का काम है। आज तक ने जाट ने साथ दिया है। सबसे पहले तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति की स्थापना की जाए, ताकि आने जाने का रास्ता हमारा एक खुल जाए। उसके बाद जो हमारी हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। पर्वत के बारे में तो इसमें तो मेरा थोड़ा सा मतलब, जो ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के है कि हम मांग क्यों कर रहे हैं, हम तो सूचना दे रहे हैं कि जी हम लोग, हमारा ये जो ना स्मारक है, हमारी आस्था है और ये हमारी ये है, और आप इसको रिकॉर्ड में अपडेट करिए, हमारा यहाँ पर शिक्षण संस्थान, हमारा यहाँ पर यादें जुड़ी हुई हैं और ये हमारी है। अगर कोई कमी है तो विभागीय स्तर पर है और उसको अपने विभाग में अपने आप को अपडेट करें, ये जगह हमारी है, हमारी आस्था है, हमारा मंदिर है, हमारी पूजा स्थल है, हमारा आस्था का केंद्र है, और हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो आगे आने वाली पीढ़ी है। अब चूंकि देखिए, पहले तो सारी जगह ही हमारी थी, अब उसमें अलग से अपील करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर जो बहुत सारा मतलब पूरे भारत से आकर के यहाँ पे लोग जो है ना, चूंकि दिल्ली सबकी है, दिल्ली ने सबको अपनाया है, तो सब लोगों का अपना अलग अलग हो गया, तो हम लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सिकुड़ गए हैं, तो सिकड़े हुए हैं, लेकिन ये तो है तो हमारी ही। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, मेरा संदेश यही है, मेरा अनुरोध यही है, मेरा सरकार को भी यही है, अपने लोगों को भी यही है कि ये जगह हमारी है, सरकार को केवल हमको अलॉट नहीं करनी है, अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करना है कि ये जगह सूरज पर्वत है। सूरज पर्वत, मेरा नाम मनोज फौजदार डिडवारिया है, मैं भरतपुर से आया हूँ, जहाँ से महाराजा सूरजमल जी थे, तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी के लिए शिक्षण संस्थान के लिए एक जगह जो है दे सके सरकार। मैं चाहता हूँ इसके लिए, महाराजा सूरजमल जी जो थे वो किसी एक कौम के राजा नहीं थे, वो छत्तीस बिरादरी के राजा थे। महाराजा सूरजमल जी जो थे, उनके जो खजाने की रक्षा करने वाले थे, जो पहरेदार जो होते थे, उनकी रखवाली जो करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से थे। तो मैं कहता हूँ कि इस काम के लिए आज हम यहाँ पे शिक्षण संस्थान मांग रहे हैं, हम कोई अपने उसके लिए बिजनेस के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये जो है इसलिए मांग रहे हैं ताकि सभी लोग जो है उसमें उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, और सभी, मैं कह रहा हूँ, छत्तीस बिरादरी को उसका साथ देना चाहिए,
और महाराजा सूरजमल जी के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार जब हम यहाँ पे कोई मीटिंग रखें तो उसमें सभी बिरादरी के लोग शामिल हों, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी हमेशा सभी बिरादरियों को साथ में लेकर के चले थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यहाँ पे आएँ और बुलाएँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जनता जनार्दन न्यूज़ चैनल का, जिनके जरिए हम अपनी जो आवाज़ है आप सभी लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। अगर आपको जनता जनार्दन की कोई अपडेट न्यूज़ चाहिए तो आप इनका बेल आइकन दबा करके इसको सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।